In this video, we will discuss Islamic studies CSS syllabus, and today our topic is system of accountability in Islam. The concept of accountability in Islam refers to a system of accountability designed to ensure that justice, fairness, and adherence to Islamic principles are maintained within the community. So this system is integral to Islamic governance and is aimed at both public and private conduct. Islam ke andar hisab ka nizam jo hai, तो इसका जो तसव्वुर है ऐसे निज़ाम की तरफ इशारा करता है जो इंसाफ इंसाफ पसंदी और इस्लामी असूलों के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया हो। यह निज़ाम जो है इस्लामी हुकूमत के अंदर अहम किरदार अदा करता है, अवामी और ज़ाती रवैये दोनों को मद्देनजर रखता है। और इसका यानी कि इसका जो हिसाब है ये क्या है, इस्लामी असूल यानी कि ये वो इस्लामी असूल है जो जिम्मेदारी और निगरानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अफराद और इदारे जो हैं वो इस्लामी इकदार और खिलाकियात के मुताबिक अमल करें। यह निज़ाम जो है इंसाफ और आवाम की जो फलाह बहबूद है उसके तहफ़ के लिए जो है वो एक मेकानिज़म प्रोवाइड करता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिसाब, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिसाब आर टू इंश्योर जस्टिस, मेक श्योर दैट लॉज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, एड्रेस ग्रीवनेसेस एंड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, and to uphold Islamic values, to ensure that both public and private actions align with Islamic teachings. तो जो इंसाफ के यानी के accountability के जो बुनियादी मकासद हैं उसमें इंसाफ को यकीनी बनाना होता है। ये यकीनी बनाना होता है कि कवानीन और इखलाकी जो मियार है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, अवाम की फलाह बहबूद को फ़रोग दिया जाएगा, अवाम की तरफ से जो शिकायात हैं वो उनको सुना जाएगा और कम्यूनिटी की भलाई के लिए जो है वो इकदाम किए जाएंगे। इस तरह से इस्लामी इकदार को जो है वो अपहोल्ड किया जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा और ये यकीनी बनाना कि जो अवाम और ज़ाती यानी अवामी और ज़ाती दोनों जो अमल है वो इस्लामी तलीमात के मुताबिक होने चाहिए। और इस हिसाब का अगर हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ हिसाब है हिस्ट्रिकल रूट्स इन अर्ली इस्लामिक स्टेट वेयर इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड मॉरल कंडक्ट। तो इसके अंदर जो इब्तदाई इस्लामी रियासत में यानी कि जो हिसाब का तस्वर है वो इसके रियासत के में जो है रियासत के जड़ों के साथ है, जहाँ ऐसे जो समाजी नज़म है नज्म व नस्क है या इखलाकी कॉन्डक्ट है इसको बरकरार रखने के लिए नाफिज किया गया। देन ओरिजिन इन द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टाइम, रोल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग हिज टाइम, द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ एक्टेड एज द इनफोर्सर ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग जस्टिस एंड एड्रेसिंग ग्रीवनेसेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मुअत्तसिब। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो है इसका आगाज़ हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था अपने दौर में, उन्होंने इस्लामी असूलों को इम्प्लीमेंट किया था, इंसाफ को कायम किया, जो आवाम की तरफ से शिकायत थी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया और मुहतसब का इदारा यानी कि कायम किया गया था, ताकि जो मार्केट के मामलात हैं उनकी निगरानी की जा सके, इखलाकी जो यानी कि जो बिहेवियर है एथिकल बिहेवियर है उसको जो है यकीनी बनाया जाए, अवामी जो इखलाकियात हैं इससे मतलब जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। सो डेवलपमेंट इन द खलीफत एरा, अर्ली खलीफा जो पहले के खलीफा थे हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ हिसाब टू मेंटेन जस्टिस एंड फेयरनेस। तो पहले खलीफा जो थे अब उन्होंने इंसाफ और इंसाफ को बरकरार रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी के अमल को जारी रखा। वक्त के साथ साथ यानी कि जो एहतसाबी इदारा था यानी कि मुहतसब का किरदार था वो फिर अपने रस्मी तौर पर बना दिया गया, जो अवामी और तजारती सरगर्मियाँ थी उनकी निगरानी के लिए अहलकारों को जो है वो मुकर्रर किया गया था। देन की कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हिसाब की जो कलीदी अज़ाएँ हैं वो क्या है, इंसाफ और इखलाकी सलूक को यकीनी बनाने के लिए इसके अंदर काफ़ी जो है कुछ यानी कि इसके अंदर की कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, जिसमें रोल ऑफ मुहतसब है, मुहतसब का जो किरदार है और फंक्शंस क्या है। मुहतसब इज़ एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग पब्लिक एंड मार्केट एक्टिविटीज, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद इस्लामिक लॉज एंड एथिक्स एंड ड्यूटीज इंक्लूड ओवरसीइंग कमर्शियल ट्रांजेक्शन, एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवनेसेस एंड इंश्योर मॉरल कंडक्ट इन पब्लिक स्पेसेस। तो जो मुहतसब का किरदार था उसके जो फंक्शंस थे, तो मुहतसब जिनसे मुराद एक ऐसा एहलकार है जो अवामी और तजारती सरगर्मियों की निगरानी करता है और इस्लामी कवानीन और इखलाकियात को की तामील को यकीनी बनाता है। उसके फ़राइज़ में जो चीज़ें शामिल हैं वो तजारती मामलों की निगरानी है, अवामी शिकायात को हल करना, अवामी मकामात के ऊपर जो इखलाकी सलूक है उसको यकीनी बनाना,
मुतसब के जिम्मेदारियों के अंदर शामिल एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ग्रीवनेस रीड्रेसल प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू रेज कंप्लेंट्स एंड सीक जस्टिस ट्रांसपेरेंसी इंश्योर दैट द गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीजंस आर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक और अवाम यानी कि शिकायत का अजाला करना शहरियों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता है ताकि वो शिकायत दर्ज कर सकें और उनको इंसाफ मिल सके उनकी शिकायत को दूर किया जा सके शफाफियत यकीनी बनाता है शफाफियत जो है कि हुकूमती इकदाम और फैसले अवाम के सामने शफाफ और जवाबदेह हों देन इन्फोर्समेंट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स मॉरल कंडक्ट लीगल कंप्लाइंस इंश्योर दैट पब्लिक बिहेवियर अलाइन विद इस्लामिक वैल्यूज मॉनिटर्स एडहेरेंस टू इस्लामिक लॉज एंड रेगुलेशंस इस्लामी असूलों का नफाज जरूरी था अवामी रवैयों को इस्लामी इकदार के मुताबिक रखना होता है इस्लामी कवानीन और जो इस्लामी जवाबित हैं उनके ऊपर अमल दरामद की निगरानी करना और इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन है हिस्बा का यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिस्बा इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर इफेक्टिव ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी तो यानी हिस्बा के जो नफाज है उसका मुख्तलिफ जो हिकमत अमली है या तरीका कार उसके अंदर मतलब शामिल है इसको नाफिज करने के हवाले से ताकि जो मसर निगरानी है जवाबदेही उसको यकीनी बनाया जाए और इसका बाकायदा मुआयना भी किया जा सके कवानीन और इखलाकी जो मियारात हैं उसकी तकमील की निगरानी के लिए इसको बाकायदा चेक किया जा सके और इसको बाकायदा इसको मुआयना किया जा सके देन इसके अलावा जो इसकी यानी कि चैलेंजेस हैं इसको जो दरपेश हैं यानी और उनका सोलूशंस देखेंगे तो चैलेंजेस इंक्लूड मेंटेनिंग इंपार्शियली अवॉइडिंग अब्यूज ऑफ पावर एंड इंश्योरिंग दैट हिस्बा ऑफिशियल्स आर वेल ट्रेंड एंड नॉलेजेबल एंड इंप्लीमेंटिंग चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल्स एंड एस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस फॉर हिस्बा प्रैक्टिसेस तो इस तरह से जो यानी कि शहरियों की शिकायत हैं उनको दर्ज करने उनको इंसाफ हासिल करने के लिए निज़ाम बनाया जाना चाहिए लेकिन चैलेंजेस जो हैं इसके अंदर तो गैर जानबदारी को बरकरार रखने के हवाले से बड़ा चैलेंज है और ताकत के गलत इस्तेमाल से बचना और इस बात को यकीनी बनाना एक बड़ा चैलेंज है तो ये इस बात के जो अहलकार हैं उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए और उन्हें इलम यानी कि वो एजुकेटेड लोग हों इलम से आरास्ता लोग हों और चेक और बैलेंस का को नाफिज किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए जो है यानी कि ऑफिशियल अहलकार हैं उनकी तरबियत की जाए और इस बात के जो तरीक़ाकार हैं उनके लिए वाज यानी कि उनको रहनुमाई दी जाए इस हवाले से देन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो फिर इस बात के जो असूल हैं वो अब भी मुतलक हैं यानी आज के दौर में भी और इन्हें जदीद जो हुकूमती और कानूनी निज़ाम है उसके अंदर ढाला जा सकता है देन मॉडर्न अडाप्टेशन Integrations into legal systems, incorporating HISBAH principles into modern legal and regulatory framework to ensure ethical conduct, community involvement, engaging the community in monitoring and reporting ethical issues to promote accountability and transparency. कानूनी निज़ाम के अंदर जो जदीद कानूनी जब्ते हैं उनके निज़ाम के अंदर हिसबा के जो असूल हैं उनको शामिल करना ताकि जो इखलाकी यानी कि सलूक है उसको यकीनी बनाया जा सके और कम्युनिटी के जो इखलाकी मसाइल हैं उनकी निगरानी की जा सके रिपोर्टिंग को इसके अंदर शामिल होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी को कंसल्टेशन को जो है वो प्रमोट किया जा सके जिस तरह से अगर हम एग्जांपल देखते हैं यानी कि इनके नफाज के हवाले से तो रेगुलेटरी जहाँ पर यानी कि अखलाकियात की कमेटी हैं तो ऐसी जो अखलाकियात की कमेटियाँ और ऑडिट ऑफिसर जो है वो कायम कर किए जाएँ जो हिस्बा के असूलों की और जाहिर करें और अवामी जो अकाउंटेबिलिटी और इंसाफ को यकीनी बनाएं इसके अलावा जो रेगुलेटरी एजेंसीज आई मीन यूटिलाइजिंग रेगुलेटरी एजेंसीज टू ओवरसी कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स तो इसमें जो रेगुलेटरी एजेंसियां यानी उनका अखलाकी मियार उनको और कानूनी जो तकाजे हैं उनकी तामील की निगरानी के लिए रेगुलेटरी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें जो इस्लाम के अंदर हिस्बा का निज़ाम है वो इंसाफ और अवामी फलाह बहबूद के लिए है इस्लामी इकदार की पासदारी के लिए है तमाम इन चीज़ों के लिए एक बड़ा मेकनिज़म भी प्रोवाइड करता है सो बाई इनकॉर्पोरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एथिकल ओवरसाइट हिस्बा हेल्प्स टू मेंटेन अ जस्ट एंड मोरल सोसाइटी सो हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंसीज एंड कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन अपहोल्डिंग जस्टिस एंड एथिकल कंडक्ट इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट तो इसमें जो
یعنی کہ حسبہ کا ایک منصفانہ اور اخلاقی معاشرہ ہے وہ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. اس کی تاریخی جو اہمیت ہے یعنی کہ اب اس دور میں بھی اس کی بات کو اجاگر کرتی ہے کہ جو حسبہ کے اصول ہیں وہ کسی طرح انصاف اور اخلاقی سلوک کو دونوں جو روایتی یعنی کہ طریقہ کار ہیں ان کو جو ہے برقرار رکھنے کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں.